पूरा बर्फ ही बर्फ है और हमारा थकान पूरा खत्म। काफी शानदार, सुगम, मनोरम। आगे को बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा नजारा हमें बार बार देखने को मिलेगा ही नहीं। सामने ही दिख गया वाटरफॉल और मान के चलो नज़दीक पहुंच ही गए। और यहाँ बर्फ की पहाड़ और पानी की फुहार और काफ़ी ठंडी लग रहा है। नीचे बर्फ जमा है, मतलब समझ जाओ 0 डिग्री है। और आप अंतिम तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में क्योंकि मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ से पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए थे। हम आपको अभी वसुधरा वाटरफॉल का दृश्य दिखाएंगे। वसुधरा वाटरफॉल के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो पापी व्यक्ति है उस वाटरफॉल का पानी उस पर नहीं गिरता है, ऐसा हमने सिर्फ सुना है। अभी चलते हैं, देखते हैं वाकई में सत्य है कि नहीं है। तो चलिए अपन आगे को बढ़ते हैं। सामने जो एक वाइट कलर का छोटा सा बिंदी दिख रहा है वही वाटरफॉल है और वो यहाँ से करीब करीब पड़ेगा 4 किलोमीटर। और ये चट्टान देखिए कितना बड़ा है और यहाँ आते तक काफ़ी थक चुके हैं मित्रों। ये चलते हैं तो फिर सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे। और जैसे जैसे बढ़ रहे वैसे वैसे यहाँ का दूरी और भी बढ़ते जा रहा है ऐसा लग रहा। और ऊपर में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता, अस्थमा दमा जिसको प्रॉब्लम हो कृपया यहाँ ना आए। और यहाँ आए तो ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही आए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आसपास का एरिया भी देखिए कितना सुंदर और कितना ख़तरनाक भी है। यहाँ ऊपर चट्टान देखो, और ये पुष्प देखो, पीछे का बादल देखो, जबरदस्त। ये जो पत्थर है वहाँ अपन घर साइड रायपुर साइड इसको किलो के भाव में लेते हैं और ये पत्थर काफ़ी शानदार लग रहा है। और उससे अच्छा शानदार ये आगे का नज़ारा है। चलिए वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, जा पाएंगे कि ना जा पाएंगे पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे को बढ़ते हैं। ये दूरी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये ऊपर में बर्फ़ की चादर ओढ़े पहाड़ देखो, काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है मित्रों। अभी बहुत दूर है वो, आगे जो बादल दिख रहा वही पहाड़ पे है वसुधरा वाटरफॉल। थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते। अब आगे का पूरा रास्ता ऐसा ही है, खड़ी चढ़ाई, कच्चा रोड और बीच बीच में पत्थर निकला हुआ। ये आगे से भाई लोग आ रहे हैं, वहीं से हम लोग भी जाएंगे। हम काफ़ी थक गए मित्रों फिर भी आगे को बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा नज़ारा हमें बार बार देखने को मिलेगा ही नहीं। और आज यहाँ वसुधरा वाटरफॉल देखने के बाद हम जाएंगे अपने रूम में, उसके बाद घर की वापसी है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। और काफ़ी थकान भी लग रहा क्योंकि ये पहाड़ी जो है काफ़ी ऊंचाई पे ही मौजूद है। जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते जा रहे उसके ऊपर ऊपर और पहाड़ दिखते जा रहा। देखिए जितना जितना आप ऊपर चढ़ते जाएंगे पहाड़ उतना ऊंचा ऊंचा और दिखते जा रहा है और नज़ारा भी वैसे ही अच्छा दिखते जा रहा, काफ़ी शानदार, सुगम, मनोरम। सोचे थे यही है वसुधरा का वाटरफॉल लेकिन ऐसा नहीं है, इससे और पार करके 1.5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, उसके बाद वाटरफॉल पहुँचेंगे। और ये काफ़ी शानदार नज़ारा है। और हमें जाना है सामने के साइड, तो चलिए चलते हैं आगे। काफ़ी शानदार वाला समय का माहौल पल और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इधर को आगे बढ़े। सामने ही दिख गया वाटरफॉल और इसकी दूरी जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही आगे लगते जा रहा है। करीब करीब यहाँ से 1 घंटा और लग सकता और काफ़ी ख़तरनाक रास्ता।
और यहाँ के लिए बोला गया है कि माणा से 5 किलोमीटर है, माणा से 5 किलोमीटर से कई ज़्यादा है ये, भले उसमें 5 किलोमीटर दिखाया गया है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है। अभी अपना हालत इतना ख़राब हो चुका है कि थोड़ा भी पैदल चले नहीं जा रहा, क्योंकि आगे रोड इतना ख़राब है, काफ़ी थक चुके हैं। जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये दूरी और ज़्यादा लगती जा रही, और हम कुछ ज़्यादा ही हाइट पे आ चुके हैं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया है यहाँ, थकान जल्दी आ रहा। धीरे धीरे बढ़ते आगे की ओर। केदारनाथ का ट्रिप नहीं थकाया, उससे ज़्यादा ये थका दिया, क्योंकि हम यहाँ 2 बजे करीब चढ़ना प्रारंभ किए, और जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे वैसे नीचे उतरने वाला रास्ता आएगा, तो चलिए धीरे आगे बढ़ते। लेकिन इतना है कि मंजिल में पहुंचने के बाद थकान कम हो जाता है। इतनी खुशी वाकई में, तिरंगा इतने शान से लहरा रहा, बोलिए भारत माता की जय। आगे बढ़ते, ये देखिए इस पहाड़ी के जस्ट आगे आए फिर रास्ता बढ़ते गया, अब थोड़ा नज़दीक आ गए, काफ़ी शानदार लग रहा। पांडव जो है इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे, और वसुधरा वाटरफॉल का अपना ही एक महत्व है मित्रों। चलिए नज़दीक चलते, वाकई में यहाँ जो हवा है बेहद ही शीतल मंद और सुगंध, मान के चलो नज़दीक पहुँच ही गए, और यहाँ बर्फ़ की पहाड़ और पानी की फुहार काफ़ी सुंदर और मनमोहक है। ऊपर में बड़ा शानदार व्यू, ज़बरदस्त व्यू और ख़तरनाक व्यू, ऊपर से पानी पूरा नहीं पड़ रहा, वो फुहार के रूप में यहाँ नीचे को आ रहा, और ये आगे बढ़ेंगे सामने की तरफ, वो भी बड़ा शानदार है मित्रों। रोड काफ़ी ख़राब, इतने को देखना था, मिस यू। ये ट्रैकिंग जो है काफ़ी थकाने वाला है, और काफ़ी शानदार ट्रैकिंग, वाकई में इतनी देर से कुछ ज़्यादा ही थकान लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का रूट काफ़ी ख़राब है आप देख ही सकते, और वाकई में यहाँ का पानी बूंद बूंद करके पड़ रहा, काफ़ी शानदार नज़ारा, आपका मन मोह लेगा, यहाँ आपको एक बार आना चाहिए, भले बीच में आपको पूरा थका देगा लेकिन यहाँ का जब नज़ारा आप देखोगे तो वाकई में लगेगा कि एक बार आना ज़रूरी है। और नीचे का ये जो पहाड़ी देखो, और यहाँ का टूटा टूटा पत्थर देखो, और ऊपर का बर्फ देखो। फाइनली आई रीच आवर डेस्टिनेशन वसुधरा वाटरफॉल, यू कैन सी वसुधरा वाटरफॉल, काफ़ी शानदार जगह है दोस्तों। अभी बहुत ज़्यादा थक गए, अभी जो है बहुत ज़्यादा थक गए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और ये नीचे जो है पूरा का पूरा बर्फ़ का पहाड़, और ऊपर है वसुधरा का फॉल। और इस फॉल के जस्ट बगल में वसुधरा का फॉल 2 भागों में डिवाइड हुई, और वहाँ से नीचे आती एक और फॉल, तो यहाँ नीचे को जाती और गजब का नज़ारा देखने को मिलती, गजब है वाकई में। यहाँ तक का ट्रैक काफ़ी थकाने वाला है लेकिन आपको अच्छा भी लगेगा, एक बार ज़रूर आइए
और वसुधरा वाटरफॉल के बारे में कहा गया है कि ये वाटरफॉल जो है इसका पौराणिक कथाओं में अलग ही वर्णन है। इसमें कहा गया है कि जो पापी होगा इस वाटरफॉल का पानी उस पर नहीं पड़ेगा। और ये नीचे जो वाइट वाइट सरफेस दिख रहा है यही पहाड़ है बर्फ़ की, और उसके आगे फॉल यहाँ, और ये जहाँ तक भी गिर रहा देखिए पूरा पानी अपने ऊपर ही आ रही। ये अपन यहीं से ही भीग गए, और सामने देखिए काफ़ी ऊपर से गिर रहा और बेहद ही आवाज़ आ रहा है, गजब का नज़ारा है मित्रों। ये जूता भी फिसल रहा और इसका आवाज़ भी आप स्वतः ही सुन रहे होंगे, है ना। और ये बर्फ भी शानदार लग रहा है। ये काफ़ी शानदार नज़ारा, पूरा बर्फ है मित्रों, जबरदस्त। और पूरा बर्फ ही बर्फ है और हमारा थकान पूरा खत्म यहाँ आने के बाद। जितना किलोमीटर आए आई डोंट केयर, यहाँ मस्त लगेगा। हर हर महादेव, काफ़ी शानदार नज़ारा और काफ़ी शानदार नज़ारा है मित्रों। ये देखिए नीचे पूरी खाई है खाई, और हवा भी बहुत आ रहा, पानी भी बहुत है। तो चलिए इसे उतरते हैं नीचे वाटरफॉल पे। बहुत ही ज़्यादा भीग गए हम और काफ़ी ठंडी लग रहा, नीचे बर्फ जमा है, मतलब समझ जाओ 0 डिग्री है। और काफ़ी शानदार है यहाँ का नज़ारा, और बेहद ही शीतल है और मंत्रमुग्ध कर देगा आपको। और यहाँ का चारों तरफ का वातावरण देखिए, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी शाम हो गया है। काफ़ी शानदार और जानदार। तो फाइनली हम अभी वसुधरा से निकलने ही वाले हैं। वसुधरा का पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्णन है कि यहाँ पापियों के ऊपर इस वाटरफॉल का जल नहीं आता है। और कई कई मूवी में आप देखे भी होंगे वसुधरा वाटरफॉल का वर्णन भी देखे हैं। तो चलिए इस वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के बाद हम चलते हैं, और हम तो फाइनली पहुंच गए, और आप लोग भी आइए, काफ़ी शानदार जगह है। आपको यहाँ रूट थोड़ा थका देगा लेकिन यहाँ आने के बाद आपका थकान पूरा मिट जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, तब तक के लिए एंजॉय योर डे। जय महाकाल मित्रों।